ने पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया। तो 5,000 रूपये की रिश्वत पटवारी ने मांगी किसान से, जिसके बाद किसान ने 5,000 रूपये की रिश्वत तो दी, लेकिन उसके बाद उसका वीडियो बना लिया रिश्वत देते हुए। और अब देखिए कलेक्टर ने कार्रवाई की, पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया है। श्योपुर के विजयपुर में सरपंच संगठनों ने भ्रष्ट सीईओ बलवीर सिंह कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इसी दौरान सीईओ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवाज भी बुलंद की है। लोगों ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान बीजेपी पदाधिकारी और सभी पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। बता दें कि जनपद सीईओ पर क्षेत्र के सरपंच सचिवों पर दबाव बनाकर पैसे लेने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि भ्रष्ट सीईओ की कई बार शिकायत की गई है, कई घोटाले भी उजागर हो चुके हैं, इसके बावजूद सीईओ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चार मोबाइल नंबरों से 400 सीएम हेल्पलाइन, जो सीएम हेल्पलाइन गरीब जनता के लिए है, जिनके निराकरण हो सके, जो कहीं जा नहीं पाते हैं, किसी नेता के पास नहीं जा सकते, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीएम हेल्पलाइन शुरू की है कि लोगों की सेवा हो सके। उस सीएम हेल्पलाइन का इन्होंने धज्जी उड़ाने का काम किया है। खुद ने 400 सीएम हेल्पलाइन लगवाई, चार नंबरों से 400 एक दिन में, तो एक दिन में ही खुद ने निराकरण कर दिया। जब इसका संज्ञान माननीय प्रमुख सचिव जी ने लिया, तो इनको प्रमुख सचिव जी ने नोटिस दिया है। ये नोटिस सभी सरपंच लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जनपद की लापरवाही के कारण हम लोगों को करने का कोई इतना मौका नहीं मिल पा रहा है। और जो भी शिकायत हम लेके आते हैं माननीय सीओ साहब की, यहाँ पर मान लो या किसी की, यहाँ पर मान लो जनपद में, तो उन शिकायतों पर विचार न करते हुए जिसके खिलाफ शिकायत होती है उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेन देन करके बात भी खत्म कर देते हैं। छिंदवाड़ा में पांडुर्णा के शासकीय माध्यमिक स्कूल में दो शिक्षकों के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद एक शिक्षक ने दूसरे के खिलाफ पांडुर्णा थाने में शिकायत दर्ज कराई। खबरों के मुताबिक स्कूल का प्रभार सौंपने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट भी शुरू हो गई और एक शिक्षक ने पत्थर उठा लिया। वहां खड़े शिक्षक ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जिसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया है। सागर के खुरई में दो युवतियों ने अपनी मां के साथ मिलकर एक लड़के का हाथ बांधकर बाजार में जुलूस निकाला। इतना ही नहीं, इन लड़कियों ने भरे बाजार में इस लड़के की चप्पलों से पिटाई भी की, जिसके बाद पुलिस